Stano Star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम सीखने वाले हैं दार, धार और त्रय की चाप का प्रयोग, कि इसे किसी भी व्यंजन में शुरू में और अंत में हम कैसे लगाते हैं, ये हम सीखेंगे दोस्तों। और चाप क्या होती है इसके बारे में कल मैंने आपको बता दिया था, कल की वीडियो जिसने भी नहीं देखी है वह देख सकता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी व्यंजन के अंत में इस तरह की चाप की तरह एक बड़ा चाप, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बड़ा चाप को मैं टिक कर लेता हूँ। किसी भी व्यंजन के अंत में इस तरह चाप की तरह एक बड़ा चाप लगाने से शब्द के अंत में दार, धार या त्रय पढ़ा जाता है। इस बात को मैं भी समझाऊंगा। यह चाप व्यंजन की आधी रेखा के ऊपर, इसे भी कर लेते हैं टिक, आधी रेखा के ऊपर जाना चाहिए। इसके अंत में भी स्वर नहीं आता है, ठीक है। यह चाप सरल रेखाओं में तय, इसे भी टिक कर लेते हैं, तय की तरफ और वक्र रेखाओं में अंदर की तरफ लगाया जाता है। चलिए इस बात को समझते हैं, पहला पॉइंट क्लियर करते हैं। क्या लिखा है, एक बड़ा चाप, ठीक है। इस्ता और इष्ट की चाप मैंने कल आपको पढ़ाई थी, तो ठीक उसी तरह से यह चाप लगती है, लेकिन बस उस चाप से थोड़ी सी बड़ी। मान लीजिए ये क्या है, क्या मैम इसकी चाप ऐसे सीखी थी, बस इसी को क्या करेंगे, ये आधे से कम तक होती थी, अब क्या होगा ये आधे तक, यानी कि बड़ी चाप लग जाएगी इस तरह से, आधे तक ये आ जाएगी। ये कहा है ना इसने एक बड़ा चाप, तो इस तरह से आधे तक आनी चाहिए, ये कम्प्लीटली आधे तक आनी चाहिए और ये आधे से कम तक आती थी। ये होती थी इष्ट और इष्ट की चाप, इष्ट की चाप, और ये होगी धार की और त्रय की चाप, ये वाली, ठीक है दोस्तों। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब इसका दूसरा पॉइंट समझते हैं, उसमें क्या कहा है, आधी रेखा के ऊपर जाना चाहिए। ये मैंने बता दिया कि आधी रेखा के ऊपर जाना चाहिए, आधी रेखा ये यहाँ तक आना चाहिए, आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये दोस्तों, चाहे आगे से लगाइए चाहे पीछे से, आधे तक ही जाना चाहिए। चलिए अब देखिए, ये लिखा है तय की तरफ। तय की तरफ का क्या मतलब है दोस्तों, मान लीजिए क्या है, क्या मैं तय का आंकड़ा इधर की ओर मोड़ देते ना, तो इधर से यानी कि ये जो चाप लगेगी तय की तरफ से इधर से इस तरह से लगेगी। यदि पै है तो पै में तय का आंकड़ा इधर से जोड़ देते तो इस तरह से लगेगी, और रह है, रह में तय की तरफ जोड़ देते ऊपर की ओर, तो रह की तरफ इधर से, यानी कि तय की तरफ से ही हमें इस आंकड़े को लगाना है, यह कंडीशन है। यदि इसे नय की तरफ लगाएंगे तो ये कुछ और पड़ जाएगा, ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में सिखाने वाला हूँ। चलिए करते हैं वीडियो को शुरुआत, थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पै, पै में इन्होंने तय की तरफ को तय इधर लगाते, तय की तरफ को इस तरह से मोड़कर ये आंकड़ा लगा रखा है। अब ये देखिए पै के आधे व्यंजन तक आ रहा है ना, और इस तो इष्ट की चाप आती है हमारी आधे से कम तक इस तरह से, लेकिन चाप है ये इसलिए हमारी इस तरह से है। यदि व्रत में होती तो इस तरह से गोल लगाते, तो ये व्रत नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना चाप है, चाप का अंतर मैंने कल आपको बताया था। तो ठीक है, ये समझ में आ गया ना दोस्तों आपकी। तो देखिए अब ये जो पै है, पै और ये चाप किस चीज़ की है, त्रय की। ये एक चाप तीन चीज़ की होती है, जैसे कि कल हमने पढ़ा था इष्ट और इष्ट की चाप, वही कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। ये पड़ जाएगी धार की और त्रय की, तो हम यहाँ कुछ भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पै है, ठीक है, ये एग्जांपल इसी का है, तो पै पै मैम इसे यदि त्रय मानेंगे तो पत्र हो जाएगा, धार मानेंगे तो पदार हो जाएगा, और धार मानेंगे तो पधार हो जाएगा। वो हमारा उस वाक्य को, जिस वाक्य को हम लिख रहे हैं उसमें क्या कंडीशन अप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी ना दोस्तों, क्योंकि कल बड़े आराम से मैंने इसको समझाया है, बिल्कुल सेम वही है, बस थोड़े से जो है इसमें चेंजेस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चय, यहाँ देखेंगे चत्र। देखिए चय और चय में तय का आंकड़ा इधर को लगाते हैं, तो आधे तक हम इसको पहुँचा कर इस तरह से लगा देंगे। ज़्यादा मोटा सा फैलाव में आपको नहीं लगाना है, इस तरह से लंबा आपको लगाना है। यहाँ पर आपको देख रहा होगा, यहाँ पर पेन से नहीं भी बन पाता है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इसमें भी हम चय और त्रय चत्र पढ़ सकते हैं, चदार पढ़ सकते हैं, चधार पढ़ सकते हैं, इन तीनों में से हम कुछ भी एक लगा सकते हैं, तीनों को हमें नहीं लगाना है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मैं, और मैं में ये आंकड़ा इन्होंने लगा रखा है, मैं और अंदर की तरफ, इन्होंने वक्र रेखाओं में अंदर की तरफ बताया था ना, और सरल रेखाओं में तय के आंकड़े की तरफ, तो अंदर की तरफ आधे तक हम यहाँ पर इसको लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मत्र हो सकता है, मदार हो सकता है, और मदहार हो सकता है, तीन चीज़ हो सकती है, तीन में से एक हमें लगानी होती है। इसी तरह से कत्र है दोस्तों, कह में तय का ऊपर, सॉरी तय का आंकड़ा ऊपर की ओर लगाते हैं, तो तय की तरफ को मोड़कर इसे हम यहाँ तक लगा देंगे, लेकिन कंडीशन ये होगी कि ये उस व्यंजन में, जिस व्यंजन में लग रहा है उसके आधे हिस्से तक जाना जरूरी है, आधे से कम तक जाएगा तो ये कुछ और चाप पढ़ जाएगा, इष्ट की चाप पढ़ जाएगा, ये कल मैंने आपको सिखाया है ना। चलिए तो ये तो आपका क्लियर हो गया, अब आगे पढ़ते हैं, दूसरे नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों तो यहाँ पर लिखा हुआ है अकेले व्यंजन वाले शब्द के अंत में इसका प्रयोग अधिकतर त्रय के अर्थ में होता है। देखिए अकेले शब्द व्यंजन वाले, यानी कि मान लीजिए लिखा हुआ है रम, ठीक है, और एक जगह लिखा हुआ है रत्र, तो अब देखिए यहाँ पर रह में रम और यहाँ रमत्र कर लेते हैं, तो ये जो त्रय और दार धार आएगा, यहाँ दो व्यंजन हो गए रह और मैं, उसके साथ आया त्रय, तो जब कंडीशन क्या होगी, एक व्यंजन होगा जैसे कि रह रह होगा और त्रय आ जाए या दार आ जाए, तो उस कंडीशन में हम इसको, इस जो चाप को हम लगाएंगे ना उसको सिर्फ त्रय ही पढ़ेंगे, दार और धार नहीं पढ़ेंगे। यदि दो व्यंजन में लगेगा
तो हम धार धार पढ़ सकते हैं, लेकिन अधिकतर की बात इसने की है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अधिकतर, कंडीशन अप्लाई हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन अधिकतर प्रयोग क्या होगा, हम तरह तरह का ही करेंगे यदि एक व्यंजन में लगेगा तो। ये बात आपको क्लियर हो रही है ना, तो ठीक है चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा था वो समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पर एक से अधिक व्यंजन वाले शब्दों के अंत में लगाने से यह दार और धार के अर्थ में आता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। चलिए इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, थोड़ा से जो है नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है पत्र, देखिए पत्र लिखा हुआ है, प है एक व्यंजन और पीछा है त्रय। तो जब हम पत्र लिखेंगे यहाँ पर दिख रहा होगा प, और यहाँ पर आंकड़ा लगाया आधे से तय की तरफ को मोड़कर आधे से आधे तक, तो पत्र हो जाएगा प, और इसे पढ़ेंगे त्रय। त्रय इसे इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसने कहा है यदि एक व्यंजन के साथ आए और यहाँ पर प सिंगल व्यंजन है तो हम इसको त्रय ही पढ़ेंगे, दार और धार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ भी सकते हैं क्योंकि उसने कहा है अधिकतर कंडीशन कम अप्लाई होने वाली है, कम्प्लीटली नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन अधिकतर होगा क्योंकि ये एक कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पुत्र लिखा हुआ है तो मात्रा लगाने का तरीका तो वही है, प प के बाद प के ऊपर, मतलब यहाँ पर मात्रा लग जाएगी ऊ की, क्योंकि सुय वाले आंकड़े में हमने मात्रा लगानी सीखी, से वाले में वही सेम, इष्ट वाले में सीखी वही सेम मात्रा लगाने का तरीका है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, प प ऊ की मात्रा और उसके बाद ये पढ़ जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। इसके बाद इस तरह के बाद मात्रा नहीं पढ़ जाएगी क्योंकि हमने ये सब कुछ पहले ही सीख रखा है। तो प प ऊ की मात्रा पू और त्रय, अब ये देखिए प भी सिंगल व्यंजन था ना, तो चलिए हम यहाँ पर इसको त्रय पढ़ेंगे, दार और धार नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं कुत्र, तो कुत्र को समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है कुत्र और कुत्र के देखिए कै बनाएंगे और त्रय की चाप इस तरह से लगा देंगे और कै कै के बाद ऊ की मात्रा कु और त्रय बाद में पढ़ाएगा। यदि कोई इसके बाद मात्रा होती तो उस कंडीशन में हम इसको पूरा ही बनाते, वो हम आगे सीखने वाले हैं। तो देखिए कुत्र हो गया कै ऊ त्रय, अब देखेंगे तो ये जो त्रय पढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पर कु अकेला व्यंजन है, ठीक है। चलिए इसको भी डिलीट करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं तत्र, देखते हैं तत्र में भी क्या है, तय सिंगल व्यंजन है और तय बनाएंगे इधर से और अंदर की ओर, जिधर गड्ढा होगा उधर पानी मरता है, ये मैंने कई बार आपको बताया है। तो गड्ढा किधर है, इस साइड है, तो इस साइड की ओर लगेगा, ठीक है। तत्र इस तरह से हो जाएगा, तत्र आधे तक जाना चाहिए व्यंजन के, आपको ध्यान रखना है। तय और सिंगल व्यंजन है तो इसको हम त्रय पढ़ेंगे, धार और धार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यत्र, यत्र का भी सेम कंडीशन है, यह बनाएंगे और तय का आंकड़ा ऊपर की ओर लगाते हैं तो आधे तक ले आएंगे, यत्र हमारा हो जाएगा, आपको यहाँ पर देख भी रहा होगा। चलिए अब देखते हैं दो व्यंजन आए तीन व्यंजन आए तो हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं रिश्तेदार यहाँ पर लिखा हुआ है तो रिश्तेदार लिखने के लिए बनाना होगा रह, रह में सह का आंकड़ा रिस क्योंकि हमने सह का आंकड़ा सीख लिया है, तय और तय में दार का आंकड़ा लगा देंगे रिश्तेदार। अब ये गोल सा लग रहा है आपको, है ना, तो ये गोल नहीं लगाना है, बिल्कुल चाप आपको इस तरह से लगानी है, बिल्कुल फैला कर इस तरह से, ठीक है, ज़्यादा गोल नहीं करना क्योंकि चाप है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। चलिए तो रिश्तेदार रह पर एक ही मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम सेंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, दह पर आ की मात्रा लगाने की आवश्यकता है, रिश्तेदार द आर दार, अब देखिए रह पड़ जाएगा फिर रह से रस रिस तय तय ते ते की मात्रा भी आप लगा सकते हैं वरना तो ऑटोमेटिक सेंस से उठा सकते हैं, सॉरी दार की मात्रा हम नहीं लगाएंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे क्योंकि दार का तो ऑटोमेटिकली शब्द यहाँ पर पड़ा जाएगा। तो रह रह सह तय तय पे एक ही मात्रा और दार का धार का त्रय का चाप हमारा ये है तो दार हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, रिश्तेदार थोड़ी होता है, रिश्तेत्र थोड़ी होता है, रिश्तेदार होता है, तो दार हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। इस तरह से एक एक चीज़ को आपको रख कर देखना है और ऑटोमेटिकली पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हकदार, तो हकदार लिखने के लिए क्या करना होगा, है बनाना होगा, है बनाएंगे है और कै का इसमें जो है व्यंजन कै का और हक और दार का क्या करेंगे यहाँ पर चाप लगा देंगे, तो इस तरह से दार का चाप हम लगा देंगे कुछ बड़ा करके सेंटेंस के आधे तक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो हकदार हमारा हो जाएगा है कै और दार की चाप, ठीक है। हकदार हक धार थोड़ी होता है, हकदार होता है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, हिंदी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देखते हैं गड़ारी धार कैसे लिखा जाएगा, तो गड़ारी धार लिखने के लिए आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा दोस्तों, तो गै बनाएंगे लै बनाएंगे और यहाँ पर दार की चाप लगा देंगे। अभी आप पर एक बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, देखिए क्या यहाँ पर बन नहीं पा रहा है लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बस मैं समझा देता हूँ आपको। चलिए तो यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे, जब यहाँ पर लय हम काटेंगे तो लय यहाँ पर ये तो 20 तक आ गया, यहाँ पर तो काटेंगे नहीं तो थोड़ा सा नीचे हम काट लेंगे, कहीं पर भी थोड़ा सा नीचे हम इससे काट लेंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कटा हुआ, थोड़ा सा नीचे इन्होंने यहाँ पर काट रखा है जबकि चाप थोड़ी ऊपर लगी हुई है, या तो शब्द को थोड़ा आप बढ़ा लीजिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं और आ की मात्रा यहाँ लगा लीजिए, गड़ारीदार आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मालदार कैसे लिखा जाएगा, तो मालदार लिखने के लिए बनाएंगे मैं, ठीक है, मैं और बनाएंगे लय, दो व्यंजन हो गए। अब दार की तो चाप हमें पता ही है तो कैसे अंदर की ओर हम लगा देंगे व्यंजन के आधे तक, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, और मैं पर आपकी मात्रा माल, मैं आल है माल और दार की चाप मालदार आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सरदार, तो सरदार ये आपको दिख रहा होगा, सरदार लिखने के लिए सह में रह का आंकड़ा सह और रह सर और दार की चाप लगा दीजिए, सरदार आपका हो जाएगा, कोई मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दार दार धार और तरह की चाप ये होती है, तो सह रह सर और दार आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मूसलाधार कैसे लिखा जाएगा,
तो यहाँ पर समझेंगे मैं बनाएंगे मैं सह का आंकड़ा मूस ले और दार की चाप हम यहाँ पर लगा देंगे आधे तक आनी चाहिए। मैं पा उसकी मात्रा मूस से ले पा की मात्रा मूसला धार आपका हो जाएगा। अब यहाँ हम इसको दार नहीं पढ़ेंगे धार पढ़ेंगे, क्यों? मूसला दार नहीं होता है, मूसला धार होता है, मूसला धार बारिश पड़ रही है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल सेंस के अकॉर्डिंग समझना है, हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों अब इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि अंत में ई के अलावा कोई स्वर हो, देखिए स्वर का मतलब होता है मात्राएं, इस ई के अलावा, ई वाला तो हमने सीख लिया ना, यदि मान लीजिए कोई ई निकालनी होती तो इस तरह से बढ़ा देंगे, तो इसके अलावा यदि कोई और स्वर अंत में आए, ई के अलावा कोई और स्वर आए या स के बाद, यानी कि स के बाद त्रय या दार या धार आए, तो उस दिशा में हम क्या पढ़ेंगे, उस दिशा में हम उसको दार या धार की चाप नहीं लगाएंगे, त्रय और द्रय की हम जो है उसको लिखेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द्रय इस तरह से और त्रय इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल से। यहाँ पर लिखा हुआ है पवित्रा, तो पवित्रा में देखेंगे लास्ट में क्या ई के अलावा आ का स्वर आया है, इसने कहा है ई के अलावा कोई और स्वर आए, जबकि ई का स्वर आता तो हमने सीख लिया है ऐसे निकालने वाला, लेकिन अब ई के अलावा यदि कोई और स्वर आता है आ या ऊ, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं ऐसे लिखेंगे। देखिए पै बनाएंगे, पै के साथ वै बनाएंगे, वै वो त्रय और रय की चाप इस तरह से हम लगाएंगे, ई की मात्रा पवित्रा इस तरह से हो जाएगा। देखिए इस तरह के चाप हमको लगानी होगी यदि ई के अलावा कोई और मात्रा आए, क्या होता है वही कंडीशन है कि यदि कोई ई के अलावा मात्रा आती है तो उस तरह हम चाप नहीं लगाते या सह का व्रत नहीं लगाते थे, पूरा सह का आंकड़ा लिखते थे, या जब चाप सीखी थी तो उस तरह से हमने स्वय और बै सह और बै को जोड़कर लिखते थे, तो उसी तरह से यहाँ पर भी कंडीशन यही अप्लाई होती है कि यदि कोई और मात्रा आएगी तो उस कंडीशन में हम इसको पूरा लिखेंगे त्रय, तो इस तरह से हम इसको बना देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना, तो पवित्र हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्त्री। अब देखिए मिस्त्री में ई की मात्रा तो आई है, ये बात ठीक है, हम क्या कर लेते हैं मिस्त्री इस तरह से लिखकर इसको ऐसे निकाल भी सकते थे, लिखा जाता, लेकिन इससे पहले से आया है, इसने कहा है स के बाद कोई त्रय या दार आवे, तो देखिए इस स के बाद त्रय आया है ना, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में भी कंडीशन यही होने वाली है कि हम इसको लिखेंगे मैं स का आंकड़ा लगा के त्रय और रय का आंकड़ा यहाँ पर निकाल देंगे और ई की मात्रा लगा देंगे, तो इस तरह से त्रय वाला ये त्रय और द्रय हम लगाएंगे, तो मिस्त्री हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं रसदार। तो रसदार में देखिए दार से पहले से आया है ना, उस कंडीशन में भी हम ये वाला ही बनाएंगे, चाप को नहीं लगाएंगे, तो देखिए रय बनाएंगे, रय के साथ सह और सह के बाद दय और मैं रय निकाल देंगे, तो रसदार हमारा पढ़ा जाएगा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस तरह से हमें करना है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है और आगे को समझते हैं लगेगी कहाँ नहीं लगेगी। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा पर यदि, यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, लिख रहा है पर यदि अंत में दूसरी मात्राएं न आकर ई की मात्रा आवे तो घुमावदार चाप को सैव्रत के समान जरा आगे बढ़ा कर लिख देने से ई की मात्रा लगी समझी जाएगी। कुछ बात नहीं कही है, वही बात कही है, यदि अंत में आए, अंत में मान लीजिए जब हम सह का आंकड़ा लगा देते कसी लिखना होता था, कसी में सह की मात्रा, तो कैसे और इसे बढ़ा देते तो ई की मात्रा लग जाती थी, ऐसे ही सुबह में था और ऐसे ही हमारा जो है, सॉरी सुबह में नहीं, इष्ट और इष्ट वाले व्यंजन में था, तो इसी तरह से इसमें प्रयोग होने वाला है पत्री, तो ई की मात्रा आ गई, तो क्या करेंगे पै और त्रय बना देंगे, त्रय में यदि इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये ई की मात्रा, ये जो निकली हुई है ना बाहर, ई की मात्रा पड़ जाएगी, तो पै त्रय, पै और त्रय का चाप पत्र, क्योंकि सिंगल व्यंजन है तो त्रय पढ़ेंगे पत्र, और इसे बाहर निकाल दिया तो ई की मात्रा पड़ जाएगी ये, तो पत्री आपका हो जाएगा। तो इस तरह से है पुत्री, तो पुत्री लिखने के लिए क्या करेंगे पै और त्रय, वो पै पै त्रय, अब इसे ई की मात्रा हम निकाल देंगे पत्री, और पत्री ऊ की मात्रा लगा देंगे पुत्री, तो पुत्री आपका ये पै ऊ त्रय और ई की मात्रा हमने जो बाहर निकाली है, लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी ई की मात्रा पड़ जाती है यदि हम डैश को बढ़ा देते हैं, तो पुत्री। देखते हैं ईमानदारी। देखिए ईमानदारी लिखने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, बनाएंगे मैं, ठीक है मैं और न, ईमान और दार का सब चिन्ह होता है, दार का सब चिन्ह लगा दिया, सॉरी चाप होती है, चाप लगा दी, और इसे ही थोड़ा सा हम यदि बढ़ा देंगे तो ये ई की मात्रा हो जाएगी, तो दारी हो जाएगा। ठीक है, और ईमान मैं पा की मात्रा मान दार ई ईमानदारी, और ई की मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, लगाएंगे तो आप लगा भी सकते हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगा, बताऊँ क्यों, क्योंकि आप हो सकता है जल्दबाजी में इसको इस वाले न से पहले ए की मात्रा पढ़ लें, ठीक है, या फिर इसको ई की ना पढ़ पाएँ, तो ये आप मात्रा मत लगाइए, ईमानदारी नहीं होता ईमानदारी होता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग जब आप कोई भी वाक्य लिखेंगे तो वहाँ पर बड़े आराम से उठा लेंगे, मैं आपसे ये जो है गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको समझते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यह चाप आरंभ में भी आता है, आरंभ में भी आता है, अब आरंभ को सीखेंगे, पर आरंभ में आता है तो केवल
त्रय और त्रि को सूचित करता है और पहले पढ़ा जाता है। देखिए यदि यदि ये पहले आएगी ना चाप तो उस कंडीशन में दार धार नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ त्रय और त्रि दो ही शब्द ये पढ़ा जाएगा, ठीक है, और सबसे पहले पढ़ा जाएगा। ये जो सिंपल सी बात है, यदि सबसे पहले लग रही है तो जैसे कि हम सह का आंकड़ा पढ़ते थे, सह कैसा, तो सबसे पहले सह पढ़ा जाता था, उसी तरह से सबसे पहले ये पढ़ी जाएगी, ठीक है। चलिए, मात्राएं आदि नियमानुसार व्यंजन के पहले या बाद में रखी जाती हैं। मात्राएं जो है व्यंजन के नियम के अनुसार जो कि हमने पहले सीखी हैं उसी ठीक कंडीशन को जो है अप्लाई करना है यहाँ पर हमें, और मात्राओं का तरीका लगाने का वही होने वाला है, ठीक है। चलिए, और इस चाप के बाद पढ़ी जाती हैं, और इस चाप के बाद पढ़ी जाती हैं, सीधी सी बात हमने पहले से सीख रखा है वही है। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा हुआ है त्रिकाल, तो त्रिकाल कैसे लिखा जाता है, देखिए त्रिकाल यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 नंबर में आपको दिख रहा होगा। तो त्रि और त्रय का चाप यदि हम शुरू में लगाएंगे तो दार और दार का चाप नहीं पढ़ा जाएगा, ये चाप त्रय और त्रि का पढ़ा जाएगा। तो लिखते हैं त्रि, त्रि का शब्द चिन्ह इस तरह से, हम इस तरह शब्द चिन्ह चाप लगा लेंगे ऐसे, त्रि और कै और लय, ठीक है, त्रि। अब देखिए ये त्रय नहीं पढ़ेंगे त्रिकाल, क्योंकि हमें त्रय और त्रि दो चीज़ पढ़ सकते हैं, तो इसे त्रि पढ़ेंगे, त्रि कै कै पा की मात्रा का ओल है, त्रिकाल आपका हो जाएगा। ये समझ में आया ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं त्रिपुरारी कैसे लिखा जाएगा। त्रिपुरारी, तो देखिए त्रि का सब चिन्ह सॉरी चाप लगाएंगे यहाँ पर त्रि, ठीक है, त्रिपुरारी। अब यहाँ पर देखिए त्रिपू पू पे ओ की मात्रा यहाँ पर लगाइए, जबकि ओ की मात्रा है, तो आप चाहें तो इसे यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लगी हुई है मुझे तो यहाँ दिख रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वैसे तो मात्रा यहाँ लगनी चाहिए, त्रिपू ओ की मात्रा ऊपर लगती है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है गड़बड़, लेकिन फिर भी मैंने दोनों तरह के साथ दोनों तरह से आपको बता दिया है, त्रिपू और रह रह पा की मात्रा रा और रह पे ई की मात्रा री, त्रिपुरारी आपका ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, मात्रा लगाने का तरीका वही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं त्रिशूल कैसे लिखा जाएगा। तो स में लगेगा मात्रा, क्योंकि स देखिए त्रि के बाद तुरंत क्या रहा है, स आ रहा है, या त्रि के बाद क्या था, कै में लगेगा, त्रि के बाद पै था, पै में लगेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने पिछली कल वाली वीडियो में इसका जो चाप आपको पढ़ाई थी उसमें सिखा दी हैं, आप अच्छे से उस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं तो त्रिशूल कैसे लिखा जाएगा। तो स में लगेगा त्रि का आंकड़ा, तो त्रि स, ठीक है दोस्तों, और लय, त्रय सु सु स पे ओ की मात्रा, तो इस वाले स से पहले इस वाले लय के पहले लगा देंगे तो इस वाले स के बाद ही पड़ जाएगी, त्रिशूल आपका हो जाएगा। मात्रा लगाने का ज्ञान तो आपको होगा ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं त्रिलोक। तो त्रिलोक, त्रय आ रहा है, त्रय और इसमें लय आ रहा है, व्यंजन तुरंत इसके बाद क्या है, उस पर लगानी होती है, तो इसके बाद लय है ना, तो त्रय की मात्रा चाप कै में लगेगी, लय में, तो लगा देंगे त्रय, ठीक है, त्रय लय और कै। अब त्रय लय लय पर ओ की मात्रा लो, लो और कै, त्रिलोक आपका ये हो जाएगा, त्रिलोक, 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 त्रय हो, त्रय हो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं त्रिकूट कैसे लिखा जाएगा। आपको देख रहा होगा त्रि के बाद क्या रहा है, कै, तो कै पर हम ये जो है चाप लगानी है, तो त्रि की चाप में लगा देंगे कै और टै, कै पर ओ की मात्रा कूट, तो आप चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं इस तरह से सबसे लास्ट में, लेकिन जल्दी उठानी है तो यहाँ लगा लीजिए इस वाले टै के पहले, तो टै के पहले पड़ जाएगी और कै के बाद, तो त्रिकूट आपका हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे ये होते हैं, और आपको जो है ये अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, आपको जो है समझ में भी आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। चलिए और समझते हैं, नीचे लास्ट देखते हैं, इसका लास्ट पॉइंट बचा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है जब यह है चाप सरल रेखा में नए आंकड़े की तरफ लगाया जाता है। अभी तक हम इस चाप को किधर की ओर लगा रहे थे, तय आंकड़े की तरफ, क्या, और यदि हम तय आंकड़े की तरफ इस तरह से लगा रहे थे ना, तय आंकड़ा ऊपर की ओर लगता है, अब हमें क्या करना है, इस चाप को नए आंकड़े की तरफ लगाना है, इधर नया आंकड़ा नीचे की ओर लगता है तो इस तरफ लगाना है। तो क्या पढ़ा जाएगा यदि हम इसको ऐसे लगाएं, तो ये समझेंगे यदि यह है चाप सरल रेखा में नए आंकड़े की तरफ लगाया जाता है तो दार धार के पहले नया भी पढ़ा जाता है और यथा नियम उसे बढ़ा देने से ई की मात्रा लग जाती है। देखिए इसको समझते हैं, और समझने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है, लिखा हुआ है दुकानदार, दुकानदार में आपको दिख रहा होगा हम अधिकतर छोटी छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग इन्होंने किया है, तो इसको भी आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। वहाँ यदि आप लिखते हैं ना, वहाँ पर यदि आप फुल स्टॉप भी नहीं लगा पाते हैं, पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं, कोमा नहीं लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह इंटरोगेशन मार्क नहीं लगाते हैं, तो ये भी आपकी गलती मानी जाती है, ये आपके नंबर काटे जाते हैं, तो इन पे भी बड़ी अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, वो अभी जब हम सीखेंगे सब कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी से आप स्ट्रांगली चलिए, ठीक है। लेकिन मैं लिखता हूँ राम बाजार जाता है, ठीक है, राम बाजार जाता है, चलिए लिख लीजिए, उसके बाद लिख दिया मैंने क्या करने, तो ये जो क्या आ गया प्रश्नवाचक को इंडिकेट करता है, तो उस कंडीशन में हम ये लगाएंगे, वहाँ पर ये नहीं लगाएंगे जल्दबाजी में, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी बीच में से भी प्रश्नवाचक बन जाता है वाक्य, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, तो यहाँ पर दुकानदार लिखा हुआ है, दुकानदार लिखने के लिए देखिए क्या करना होगा, द बनाना होगा, द
ठीक है, द कैन है, दकान और दार की चाप हमें न की तरफ यदि हम लगाएंगे, अब समझिए इसे हम ऊपर की तरफ भी तो लगा सकते थे ना, क्योंकि हमने तय की तरफ सीखा, लेकिन अब हमें नए आंकड़े की तरफ लगानी है, तो नया आंकड़ा नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर लगा दी, उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम इसको दार, धार और दार, दो चीज़ ये जब चीज़ हम पढ़ेंगे तो इस दार और धार से पहले हम नए और पढ़ेंगे, क्योंकि ये नए की चाप में लग रहा है, जबकि ये कंडीशन तय वाले में अप्लाई नहीं थी, उसमें यदि हम लगाते थे तो सिर्फ दार और धार पढ़ते थे, तय नहीं पढ़ते थे, लेकिन यहाँ नधार और नधार इस तरह से आपको नए भी पढ़ना होगा इनसे पहले। देखिए समझते हैं कैसे, अब मैं आराम से समझाता हूँ। तो देखिए द ऊ की मात्रा दू, कै पा की मात्रा दुका, और नए फिर पढ़ा जाएगा दुकान, और क्योंकि दार दार पढ़ा गया, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक मिनट, दुका दार ऐसे तो हो रहा है ना इस टाइम में, दुकादार। अब हमें क्या करना था, इस दार से पहले नए भी पढ़ना है, तो दुकानदार क्योंकि नए की चाप में लग रहा है तो नए हम ऑटोमेटिकली पढ़ लेंगे, फिर क्या हो जाएगा दुकानदार आपका ये हो जाएगा। अब आपको दार नहीं पढ़ना, नदार और नधार पढ़ना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ऊपर एग्जाम्पल में दिख भी रहा होगा, एक मिनट, ये आपको दिख भी रहा होगा। चलिए देखते हैं दुकानदारी, बस इसने एक बात कही थी, यदि इसी चाप को थोड़ा आगे को पढ़ा देंगे तो ई की मात्रा पड़ जाती है, वो आप काफ़ी पहले से सीखते हुए आ रहे हैं, तो क्या होगा दू द कै वो सॉरी ऊपर की ओर नहीं नए की तरफ लगाएंगे, क्योंकि नए की आवाज़ है, तो इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो ये जो चाप हमने थोड़ी सी बढ़ाई है, चाहे आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बढ़ा करके मैं दिखा रहा हूँ, ये थोड़ी बढ़ गई ना, तो दे दे ओ की मात्रा दुका और कै पा की मात्रा का वो नदार ही पढ़ा जाएगा नदार, दुकानदार, और ई की मात्रा इसे हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे चाप को, तो ई की मात्रा लग जाएगी, तो दुकानदारी आपका ये हो जाएगा। तो ऐसे जो है आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आपको वीडियो जो है पसंद आएगी मैं ऐसी आशा करता हूँ, प्लीज़ लाइक करना दोस्तों और सपोर्ट करना, जय हिंद, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।